वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरप्राइज बॉक्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, फूड लवर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें नई नई जगह जाके नया नया एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है। आज हम जाने वाले हैं रोहिणी, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैंने सुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और चलिए चल के देखते हैं कि जितना उसके बारे में सुना है वो वाकई में उतना खूबसूरत है या नहीं। तो दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर बहुत ही खूबसूरती से एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है, तो वही आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों, ये है अपनी सवारी जिसमें हम दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे। ये अपनी फोर्ड फिस्टा, थोड़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन साथ देती है पूरा। ये हमारे साथ हैं मोहित भाई, ये काठमांडू आए थे हमारे साथ पोखरा, और हमारे साथ हैं दो लोग और हैं, उनसे अभी परिचय कराते हैं आपका। देखिए, एक घंटे से हम जाम में फंसे थे, अब निकल रहे हैं यहाँ से। ड्राइविंग सीट में हमारे साथ भूपिता और इनकी वाइफ हमारी भाभी, मजे में रहते हैं दोनों, मजे में रहते हैं, ट्रिप लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फाइनली जाम खुल चुका है दोस्तों, एक घंटे का जाम लगा था यहाँ पर, तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब आप लोग करिए बाहर का नज़ारा इंजॉय। देखिए कितना ख़राब रास्ता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं दिल्ली सिर्फ आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को दिल्ली का एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट। तो देखिए दोस्तों, पत्थर भी गिर रहे हैं ऊपर से, ये अच्छे से देखिए, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, धूल भी उड़ रही है, तो बहुत ही डेंजरस रास्ता है यहाँ पर हमारे लिए, लेकिन सब चलता है आप लोगों के लिए। एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं क्या स्पेशल मिलता है वहाँ। और साथ में है भाभी, हेलो, हाय करो, और भूपिता। ये मेन एंट्री है, एम्यूजमेंट पार्क है शायद यहाँ पर, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पे एक्सपीरियंस। एडवेंचर आइसलैंड है यहाँ का नाम। ये मेन एंट्री है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है पूरी अच्छी, इधर सब पार्किंग बनी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। ये है चेक इन काउंटर, 200 रुपये की एंट्री फीस है यहाँ पर, तो चेक इन कर रहे हैं यहाँ से हम। तो ये है गाइस एयरबस, पूरा का पूरा एयरबस, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है ये, खासतौर पर बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ। तो चलते हैं देखते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, अंदर रेस्टोरेंट का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही क्राउडेड भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सीटिंग कैपेसिटी है और पूरा क्राउडेड एरिया है। ये कॉकपिट का एरिया है दोस्तों, यहाँ बच्चों के लिए गेम्स रखे हुए हैं खेलने के लिए, जो एक रियल एक्सपीरियंस देते हैं, और इसी के साथ साथ है पूरा एक रियल कॉकपिट बना के दिया है यहाँ पर इन्होंने, जो कि काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, देखने को मिलता नहीं है हमें हर बार। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्रीमियम फील आता है इसके अंदर आके, ऐसा वाकई में लगता है कि हम एक रियल एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं। काफ़ी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका, और सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, जहाँ तक मेरा अनुमान है 100 से ज़्यादा लोग यहाँ एक बार में बैठ सकते हैं और अपनी मील का एंजॉय ले सकते हैं।
ये आ गया है हांगकांग चिकन और हमने ऑर्डर किया साथ में पनीर। ये भुपिदा हमारे हैं वेजिटेरियन बन चुके हैं आजकल और ये पनीर का मजा लेंगे और हम खाएंगे हांगकांग चिकन। तो आप कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट बना लो लेकिन मज़ा तो उसके खाने में ही है, मज़ा तो उसके टेस्ट में ही है। तो आइए देखते हैं इसका कैसा स्वाद है। कपल डाइनिंग का है, इसका प्राइस है 5000 पर कपल। काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एरोप्लेन के विंग्स में बैठ के डिनर करेंगे आप। तो ये वर्ल्ड में पहला है। भुपिदा भड़क चुके हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये इंडियन फ्लैग हमारे ऐसे नीचे फेंक रखे हैं तो इस बात का बुरा लगा है हमें थोड़ा। हमने बोला है अभी स्टाफ को कि जल्दी से साफ करा जाए। वो बंदा निकाल के गया फ्लैग सारे। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से। हैप्पी बेस, गुड गुड भुपिदा, थम्स अप फॉर भुपिदा। सराहनीय कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए। अब चलते हैं यहाँ से हंसी खुशी।